आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गिविंग ए सर्टिफिकेट अबाउट विच माई ऑनरेबल फ्रेंड डॉक्टर कृष्णा स्वामी वॉज टॉकिंग सम टाइम अगो सिंस एनीथिंग लाइक ए सर्टिफिकेट बींग गिवन बाई एनी मेम्बर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी इज लाइकली टू बी मिसअंडरस्टूड बट द फैक्ट रिमेन्स दैट इम्पार्शल ऑब्जर्वर्स बोथ हेयर एंड एब्रॉड हैव टेस्टिफाइड टू द साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ आवर फाइनेंसेस विच हैव सक्सेसफुली विदस्टूड सीवियर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ द चेंजिंग इकोनॉमिक फैक्टर्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड फॉर दिस द फुलेस्ट पॉसिबल क्रेडिट इज ड्यू टू द वाइज हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन बाय आवर प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर. देयर हैव बीन क्रिटिसिजम्स ऑन बोथ साइड्स. सम हैव डिस्क्राइब्ड द बजट एज प्रो बिग बिजनेस एज समथिंग विच हैज ब्रॉट अबाउट ए बूम इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड एज समथिंग विच हैज ब्रॉट अबाउट सेटिस्फैक्शन इन द बिजनेस सर्कल्स. द फैक्ट इज दैट इफ देयर हैज बीन एनी सेटिस्फैक्शन इट हैज बीन ड्यू प्योरली टू नेगेटिव फीचर्स ऑफ द बजट एंड नॉट बिकॉज एनी पॉजिटिव रिलीफ इन एनी डायरेक्शन हैज बीन गिवन टू बिजनेस और इंडस्ट्री. इट इज ट्रू दैट देयर वर सर्टेन फियर्स इन द माइंड्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी दैट इन व्यू ऑफ द एक्सपेंडिंग एंड ग्रोइंग नीड्स ऑफ द सेंटर द फाइनेंस मिनिस्टर माइट रिजॉर्ट टू सर्टेन फर्दर एडिशनल टैक्सेशन एंड सिंस दोज फियर्स वर नॉट रियलाइज्ड देयर हैज बीन सम स्लाइट रिकवरी इन सर्टेन स्टॉक एक्सचेंजेस बट दैट डज नॉट इन द लीस्ट मीन दैट व्हाटएवर रिलीफ एंड लेजिटिमेट रिलीफ वॉज ड्यू टू द बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिटी हैज रिसीव्ड एनी एडिक्वेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर. वी हैव गॉट टू फेस द फैक्ट दैट वी आर एट प्रेजेंट एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. पीपल हु टॉक अबाउट यूके एंड यूएसए कन्वीनियंटली फॉरगेट दैट दीज आर द मोस्ट हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड अवर टैक्सेशन सिस्टम सो लॉन्ग एज वी आर एंगेज्ड इन एक्सपेंडिंग एंड बिल्डिंग अवर इकॉनमी मस्ट बी एडजस्टेड एंड लिंक्ड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्सपेंडिंग इकोनॉमी एंड शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद द हाई टैक्सेशन लेवल्स दैट मे बी प्रीवेलेंट इन यूके एंड यूएसए. फ्रेंड्स हैव टॉक्ड अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट बट वेदर द रेजिंग ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेशन लेवल्स विल इन एनी वे मिटिगेट अनएम्प्लॉयमेंट इज ए क्वेश्चन दैट शुड बी कंसिडर्ड. इफ द फाइनेंस मिनिस्टर गिव्स सब्सटेंशियल रिलीफ इन डायरेक्ट टैक्सेशन आई थिंक दैट माइट लीड टू एन एक्सेलरेशन इन द पेस ऑफ डेवलपमेंट. सो इट हैज टू बी कंसिडर्ड वेदर इट इज रिलीफ इन टैक्सेशन विच विल लीड टू ए रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और वेदर इट इज रेजिंग ऑफ टैक्सेशन टू द अटमोस्ट
levels which will dry up the resources and channels of capital formation and thereby not only retard all further development but might also throw the functioning of present industries out of gear. So my submission is that when the taxation inquiry committee has been appointed, it is only logical to expect that no substantial changes in the taxation structure will be made until the findings of that expert committee are known, until we know the in-defense oblique incidence of taxation in the various sectors of our economy. Now coming to the question of deficit financing, I am afraid that my esteemed friend's attitude was somewhat different from the line of opinion in the business and industrial community. Note that we advocate deficit financing for bringing any artificial rise in prices, but the fact is that those who have criticized deficit financing have not suggested any other alternative or made any other constructive suggestion which will bring about necessary development plans. After all, the fact has got to be faced that whatever program we have set out in the national plan should go on unimpeded by any financial considerations. An assurance has been given by the finance minister that so far as financial resources are concerned, he will ensure that the 5-year plan will not in any way be retarded. In this connection, I can only say that deficit financing is one thing so far as the revenue budget is concerned. So far as normal expenses and expenditure are concerned, certainly nobody would advocate deficit financing, which might be very undesirable. But when it is a question of doing something abnormal, of investing something in productive channels, then certainly some risk has got to be taken, and I think the finance minister has been fully cautious in taking whatever measures he has so far. We know the measures that the government took for contracting money supply about the end of 1950 and certain other measures adopted which brought about a slump. Also, from time to time, the finance minister did not hesitate to mop up the surplus, which, as the records would show, has been about rupees 300 crores during the past 4 or 5 years.